हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे कॉर्न टोस्ट। ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए या एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं। ये कॉर्न टोस्ट बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बॉयल्ड कॉर्न है यहाँ पे, वाइट ग्रेवी के लिए गेहूँ का आटा लिया है मैंने, बेल पेपर्स है, चीज़ है, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे पहले हम बटर डाल देंगे एक पैन के अंदर। यहाँ पे हम कॉर्न टोस्ट के लिए जो कॉर्न का मिक्सचर होता है वो बना रहे हैं। ये हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालना है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा गेहूं का आटा ही डालती हूँ जिससे कि ये वाइट ग्रेवी थोड़ी हेल्दी हो जाती है। अब इसको हमें थोड़ा सेकना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आने लगती है। वाइट ग्रेवी में गेहूं का आटा डालने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मैदे की जगह हमेशा गेहूं का आटा डालें, पता ही नहीं चलता कि हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब मैं आधा कप दूध डाल दूंगी और इसे हमें कंटिन्यूसली विस्क करना है, विस्क से, नहीं तो लम्प्स हो जाएंगे। तो कंटिन्यूसली ये गाढ़ा होने तक आप विस्क करते रहें। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से विस्क करने से गाढ़ा हो गया है। और इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज़। फ्रेंड्स, ये कॉर्न टोस्ट है तो इसके अंदर चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आप इसे स्किप ना करें। चाहे तो थोड़ा कम ऐड करें पर चीज़ ज़रूर डालें। इसे भी हमें विस्क करते रहना है, विस्कर ही यूज़ करें, जल्दी हो जाता है काम। या फिर स्पैटुला ले लें। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आधा कप जितना पानी डाल दिया है क्योंकि चीज़ है और गेहूं का आटा है तो ये गाढ़ा होता जाएगा मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें पानी डालना है और अब हमें इसे साइड्स जो होती है वो स्क्रेप कर देनी है स्पैटुला से। अब हम स्पैटुला यूज़ करेंगे क्योंकि अब लम्प्स नहीं बनेंगे, पर हाँ, चलाते रहना है, ये बहुत जल्दी बन जाता है मिक्सचर। यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दी है, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमें फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये 3 जनों के लिए इनफ होती है। प्याज डाल के भी आपको इस तरीके से चलाते रहना है, मतलब स्टार्ट टू एंड तक आपको चलाते रहना है। अब यहाँ मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। यहाँ पे आपको रेड और येलो शिमला मिर्च भी साथ में ही डाल देनी है। और यहाँ 1 कप जितने मैंने बॉयल्ड कॉर्न लिए हैं, बॉयल्ड करके कॉर्न रख दें आप और फिर जब ये बनाएं तब इसके अंदर ऐड कर दें और इसे चलाते रहें। ये इस तरीके से गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो टोस्ट है ना, ये बड़ों को, बच्चों को, सभी को अच्छे लगते हैं तो इसे आप ज़रूर बनाएं। ये बहुत हेल्दी टोस्ट है, मैंने इसे ब्राउन ब्रेड पे बनाया था। इस तरीके से उबाल आ जाए तब आप आँच को बंद कर दें और इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। हम पहले चिली फ्लेक्स इसलिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि फिर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है मिक्सचर का। अब हम पैन के ऊपर ही टोस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इसे टोस्टर में भी बना सकते हैं। अब जो हमने कॉर्न का मिक्सचर बनाया है उसमें हम बेजिल डालेंगे। बेजिल को हमेशा इस तरीके से हाथ से तोड़ के डालें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और कलर चेंज नहीं होता है। अगर हम नाइफ़ यूज़ करते हैं तो कभी कभी बेजिल का कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, टोस्टर में भी मैं टोस्ट ब्रेड डाल रही हूँ और इस तरीके से टोस्ट बना देंगे। दोनों तरफ से हमें टोस्ट कर देना है ब्रेड को। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ की है। अब हमारे यहाँ पे टोस्टर में और पैन की जो टोस्ट है वो भी रेडी है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं हो तो पैन पे भी बहुत अच्छे से ये टोस्ट बन जाते हैं। अब जो हमारा कॉर्न का मिक्सचर है वो हम ये टोस्ट के ऊपर लगा देंगे। बहुत अच्छे से स्प्रेड करें, इसे साइड्स में भी लगाएं। आप चाहे तो ब्रेड को जो है वो स्लाइस साइड्स निकाल सकते हैं स्लाइसेस की, मैंने यहाँ पे नहीं निकाली है। अब हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देंगे। चीज़ ग्रेट करना ऑप्शनल है
क्योंकि ऑलरेडी हमने चीज़ कॉर्न टोस्ट के मिक्सचर में जो मिक्सचर बनाया है उसके अंदर भी ऐड किया हुआ है। तो अब ये चीज़ ग्रेट करके हम फिर से पैन के ऊपर रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसे चीज़ मेल्ट होने तक फिर से टोस्ट करेंगे। देखिए चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये यहाँ पे कुछ मैं बिना चीज़ के भी बना रही हूँ और कुछ चीज़ वाले बना रही हूँ। चीज़ वाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो कहना है ना कि जितना हम हलवे में घी डालें उतना ही हलवा टेस्टी बनता है, तो सेम बात यहाँ पे भी है। आप जितना चीज़ डालेंगे उतना ही टोस्ट अच्छा बनेगा। अब इसे मैं ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी। ये मैंने कुछ ओवन में भी बनाया है। आपके पास अगर OTG है तो आप उसे OTG में 2-3 मिनट प्री हीट करके रख दें तो चीज़ बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाता है। तो रेडी है हमारे कॉर्न टोस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। ये देखिए ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं। आप बच्चों को छोटी छोटी भूख में भी इस तरीके से बना के दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।